गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्वेता अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैंने सोचा मैं आपका कुछ डिफरेंट वे से अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। आज है फ्रेंड्स फ्राइडे और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 1 o'clock और हम लोगों ने लंच कर लिया है, तो मैंने सोचा आज का व्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर देती हूँ और ये व्लॉग जाएगा संडे की इवनिंग में। तो देखिएगा कि फ्राइडे सैटरडे एंड संडे सारा दिन हमने थोड़ा थोड़ा क्या किया। ये तीनों दिन का एक दिन का व्लॉग, तीनों दिन मिला करके मैं एक दिन व्लॉग डालूंगी। थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको दिखाऊंगी कि आज मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। थोड़ा सा मेकअप किया है, आपको लग रहा होगा कि आज मैं इतना मेकअप करके क्यों आई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, उधर मैं अपना अगर कर्टन हटाती हूँ तो मैंने अभी एक मेकअप लुक क्रिएट किया है। स्टेप बाय स्टेप करके वेडिंग इंडियन गेस्ट मेकअप मैंने शूट किया है। ये तो आई थिंक या तो हो सकता है इस वीडियो के बाद आएगा, तो देखिए कब वो पोस्ट करती हूँ मैं। मैंने आज बैक टू बैक दो तीन वीडियो शूट किए हैं। चलिए अब मैं इस मेकअप को जल्दी से रिमूव करती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि जब मैं मेकअप ट्यूटोरियल शूट करती हूँ तो मैं अपना मेकअप कैसे रिमूव करती हूँ, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे मेकअप किए 2 से 2.5 घंटा हो चुका है और अभी काफ़ी सेटिंग भी आ रही है क्योंकि हम लोग ने अभी अभी लंच किया है। चलिए फटाफट से अपना मेकअप रिमूव कर लेते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी मेकअप मेरे फेस पे लगा हुआ है, मैंने आई मेकअप भी किया है, लिपस्टिक बोल्ड है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास मेकअप रिमूवर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपके घर में कोकोनट ऑयल तो होता ही होगा, कोई भी नारियल ऑयल चलेगा, वो चाहे कोकोनट हो, पैराशूट हो, पतंजलि हो, कुछ भी हो, आपको थोड़ा सा अपने हाथ पर ड्रॉप लेनी है और उसको अपने हाथ में ऐसे करके अपने फेस पर लगा लेना है। गर्मी बहुत है और ऑयल ऊपर से लगाने के बाद तो आप सोचेंगे कि ये क्या बता रही है, और वाइप के थ्रू पूरा मेकअप अपना इसमें पोंछ देना है। ये देखिए, कोई भी मेकअप रिमूवर नहीं चाहिए होता है कि आप महंगे से महंगा मेकअप रिमूवर खरीदें, उस पे इन्वेस्ट करें, कोकोनट ऑयल लीजिए, सबसे अच्छा मेकअप रिमूवर है, और उसको अच्छे से अपने मेकअप को पोछिए। मेकअप पोछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, उसके बाद ही आप की स्किन जो है वो ब्रीथ करती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना पूरा मेकअप रिमूव कर लिया है इस वाइप के थ्रू। अब जो आधी वाइप बची हुई थी मैं उससे और आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बचा हुआ मेकअप जो है वो भी हमें अच्छे से क्लीन करना है, आई मेकअप भी पोछना है। बहुत ही जेंटल हाथों से आपको इसको वाइप करना होगा। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कि मेरा मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट पूरा क्लीन हो गया है। बिल्कुल भी मेरे फेस पे इस समय मेकअप नहीं है। अपने ईयर्स भी पोंछ लीजिए, ईयर के पीछे भी, नेक भी। अभी मैंने अपना मेकअप रिमूव कर लिया है, टिश्यू की हालत आप देख सकते हैं, वाइप्स की बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, तो ये तो होगा डिस्पोज। और अपने फेस को मैं वॉश करके आती हूँ फेस वॉश से, आप चाहे तो नॉर्मल वाटर से भी वॉश कर सकते हैं, पर मैंने अभी मेकअप किया था तो मैं इसको आपसे फेस वॉश करके मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अपना फेस वॉश किया है फेस वॉश से, गुड वाइब्स के फेस वॉश से, और फेस वॉश मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैंने ऑयल यूज़ किया था, उससे फेस थोड़ा स्टिकी हो जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आपको अपने फेस को पोछने धुलने के बाद, वॉश करने के बाद पैड ड्राई करना है। कभी भी फेस को ना रब मत किया करिए, फेस रब करने से आपकी स्किन में रैशेज हो सकते हैं। स्किन आपकी है, बहुत ही जेंटली आपको अपनी स्किन के साथ बिहेव करना चाहिए। फेस वॉश हो गया है और फेस वॉश करने के हमेशा 5 मिनट के अंदर आपके अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लेना चाहिए, हाइड्रेट कर लेना चाहिए, क्योंकि सारा मॉइस्चर जो है वो उड़ चुका होता है। तो मेरे पास यहाँ पे है एक गुड वाइब्स का मिस्ट, दूसरा है गुड वाइब्स का ग्लो टोनर, ग्रीन टी टोनर है, तो मैं अभी आपको अपने फेस पर ग्रीन टी टोनर अप्लाई करके दिखाती हूँ। और इसको लगाने के बाद स्किन एकदम हाइड्रेट फील होती है, ऐसा लगता है कि एकदम कूलिंग कूलिंग इफ़ेक्ट आ रहा है। तो बस मैं इसको अपने फेस पे एब्जॉर्ब होने दूंगी और
छोड़ दूंगी ऐसे ही। तो फ्रेंड्स, मैंने एक टोनर पे भी वीडियो शूट किया है कि आपको अपने फेस के लिए टोनर क्यों इम्पॉर्टेंट है, टोनर क्यों लगाना चाहिए, टोनर क्या होता है, इन सब पे भी मैंने एक वीडियो शूट किया है। बहुत जल्दी वो भी वीडियो आ जाएगा। पता नहीं, मुझे आई डोंट नो पहले ये टोनर वाला आएगा या ये व्लॉग आएगा। नहीं देखा है, देख लीजिएगा चैनल पे थोड़ा स्क्रॉल। पहली बार आप वीडियो पे आए हैं, चैनल पे आए हैं, तो एक बार थोड़ा वीडियो ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देखा करिए कि क्या अच्छे टॉपिक हैं जो आपको देखने चाहिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो ज़रूर मेरे चैनल को थोड़ा स्क्रॉल करके देखिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो बस अब मेरा स्किन केयर हो चुका है, नॉर्मल सा है। मैंने वॉश करने के बाद सिर्फ टोनर लगाया है और अब मुझे कुछ नहीं लगाने की ज़रूरत है। मेरी स्किन एकदम अच्छे से ब्रीथ कर रही है। फेस को कभी बिना मेकअप के भी छोड़ा करिए, जिससे आपकी स्किन बहुत अच्छे से ब्रीथ कर सके। गर्मी का मौसम है तो अपनी स्किन को ब्रीथ करने, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथ करने दीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी शाम हो चुकी है और मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं आपके साथ वो अब शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ खाने में तहरी, जिसमें मैं बहुत सारी सब्जियाँ डालने वाली हूँ। आपके घर पे जो भी सब्जी अवेलेबल हो, आप वो सब सारी सब्जियाँ डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुकर रख दिया है और तो उसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी। अब मैं इसको अपनी तहरी को छौंकने के लिए सारे इसमें जो खड़े मसाले डालने हैं पहले वो डालूंगी और फिर सब्जियाँ डाल के इसको फ्राई कर लूंगी। मैंने यहाँ पे एक कटोरी चावल अच्छे से धुल लिया है और उसे दो गुने पानी के साथ भिगो करके एक घंटे पहले रख दिया था। अब वो चावल भी मैं इसे मिक्स करके सीटी लगा करके रख दूँगी और गैस को ऑफ़ कर दूँगी। फिर इसके बाद मैं नीचे जाऊँगी पीहू को वॉक कराने के लिए, उसे थोड़ा सा घुमाने के लिए। फिर उसके बाद मैं आपसे आके मिलती हूँ। अभी हम ऊपर आ चुके हैं और अब मैं इसमें सीटी लगा दूंगी। एक सीटी जैसे ही आएगी गैस को बंद कर दूंगी और मैंने यहाँ खाने की तैयारी कर ली है। सैलेड काटा है, पापड़ है, रायता है और चटनी है, साथ में गर्मा गर्म तहरी। तो चलिए फिर मैं फटाफट से अपना डिनर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिनर करके फिर डी मार्ट आ गए थे। 8:30 पे हम लोग डी मार्ट आए हैं। कुछ घर की ग्रॉसरी का सामान लेना है, वो ख़त्म हो रहा है महीने के लास्ट में। आज 1 तारीख है तो हम लोग यहाँ पे पहले ही सारा सामान स्टोर कर लेते हैं जो घर में ख़त्म हो रहा होता है। हमारे घर से डी मार्ट बहुत ही पास में है तो हम वहाँ जाते हैं और फिर अपना जो भी सामान लेना है वो ले आते हैं। और यहाँ भी देखिए, पीहू बिल्कुल मस्ती में है और हैट लगा करके वो कुछ कर रही है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ समर्स के लिए बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया है। बॉटलों का बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। अगर आप कांच की बॉटल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर बॉटल्स हैं, कुशन कवर हैं और काफ़ी अच्छी वैरायटी इस समय आई हुई है डी मार्ट में। तो अगर आप मुंबई के हैं तो जाइए और एक बार ज़रूर चेकआउट करिए, यहाँ काफ़ी अच्छा सामान है। अभी रात के 10:15 बज रहे हैं और आप भीड़ देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ। कभी भी खाली मिलता ही नहीं है, आप जब भी आएंगे तो यहाँ आपको ऐसे ही घनी भीड़ में दिखाई देगी। उसके बाद हम लोग घर आ गए, काफ़ी लेट हो गया था और फिर हम लोग सो गए। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और आज है सैटरडे मॉर्निंग और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 9:00 और मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। मैंने सोचा मैं पहले आपका वेलकम कर देती हूँ, उसके बाद फिर क्या करती हूँ, कैसे होता है, वो सारी अपडेट मैं आपको देती रह सकते हैं। सीटी आ रही है और मैंने ब्रेकफास्ट में आज चने बनाए हैं, काले चने। मैं जनरली सैटरडे में क्या करती हूँ, सैटरडे में मैं चने ही बनाने की कोशिश करती हूँ। तो बस चने में सीटी आ रही है और अब मैं शावर लेके आ गई हूँ। मैंने अपना स्किन केयर भी कर लिया है, अब मैं पूजा करूँगी और पूजा करने के बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए आप लोग भी फटाफट से अपना नाश्ता कर लीजिए और फिर मिलते हैं। ये देखिए, जो आप इतना सारा सामान देख रहे हैं, ये कल हम लोग जो डी मार्ट गए थे बस ये उसी का सामान है। और चलिए देखते हैं कि मैंने क्या क्या सामान लिया है।
तो जल्दी से इसको अनपैक भी करना है और सब कुछ सेट भी करना है। बहुत सारा सामान लिया है, तो आज चलिए देखते हैं कि हमने इतनी शॉपिंग क्यों करी है और क्या क्या मैंने शॉपिंग करी है डी मार्ट से। तो मैंने सोचा इसका हॉल वीडियो बनाने से अच्छा है मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। तो ट्राईपॉड मैं थोड़ा सा दूर कर देती हूँ और फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या शॉपिंग करी है। ऐसे कर देती हूँ, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है। ये मैंने एक पोहा का पैकेट, मतलब यहाँ पे ना डी मार्ट में खुला पोहा मिलता है, वो लिया है। और फॉर्च्यून का कच्ची घानी का ऑयल है। अभी हम लोगों ने इंडिया गेट का बासमती राइस ये वाला लिया है, अभी इसको ट्राई करना है, ये फर्स्ट टाइम हमने लिया है। और हींग है, एक्सो का ये बर्तन क्लीन करने का है। मेरे हस्बैंड हनी और लेमन ज़रूर पीते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो ये वो है। जीरा ख़त्म हो रहा था वो लिया हमने, सूजी ख़त्म हो रही थी वो है, हरी मूंग की दाल ख़त्म थी तो ये है, मसूर की दाल ख़त्म हो रही थी तो ये भी है। हमारे यहाँ सैटरडे में बनते ही हैं तो हम लोग चने ज़रूर लेके आते हैं। और छोले हैं इसमें, हल्दी ख़त्म हो रही थी तो ये हल्दी है। बाकी थोड़ा नाश्ते का दूसरे पैकेट में, ये जो दूसरा पैकेट है नाश्ते का आइटम है इसमें, ये देखिए ये है पोटैटो चिवड़ा। और पीयू को चिप्स पसंद है, कभी कभी वो चिप्स मांग लेती है तो हम लोग ऐसे चिप्स ले लेते हैं। एक साथ ले लो तो थोड़ा आराम रहता है, मतलब अच्छा रहता है, सारा सामान एक साथ आ जाता है। मैं फास्ट रखना स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो ये अब कि मैंने छोटे वाले साबूदाने लिए हैं। अभी जो मैं बनाती हूँ साबूदाने की तहरी, वो थोड़े बड़े साबूदाने की होती है, ये मैं इस बार छोटा वाला लेके आई हूँ, ये भी बहुत अच्छा बनता है। कैचअप, कैचअप तो मेरे घर में पीहू को और इनके डैडी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कैचअप ज़रूर आता है। और क्या है, और है अमूल का प्योर घी। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो हम लोग दूध मंगाते हैं ना, उस दूध में बिल्कुल भी मलाई नहीं होती है। तो वैसे तो पहले मैं घर पे ही घी बनाती थी, लेकिन अभी घी का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी हम लोगों ने ये अमूल का प्योर घी लिया है, ट्राई करते हैं। ऐसे ये नमकीन का पैकेट है, चिप्स है, मूंगफली ले लिया है क्योंकि फास्ट में खाती हूँ तो मूंगफली लिया है मैंने। ये है 48 रुपीस की है ये पूरी, इतनी मूंगफली का दाना। तुअर दाल हमने ली है, वहाँ डी मार्ट में 3 तरह की तुअर दाल थी, तो ये मैंने मीडियम वाली तुअर दाल ली है। और ये है 95 रुपए केजी, मतलब 95 रुपीस केजी है ये, तो आप जितना भी लेते हैं उस हिसाब से वो आपको लूज में दे देते हैं। वैसे पैकेट भी आते हैं, अगर आप चाहें तो आप पैकेट भी बंधे बधाए ले सकते हैं, पर मुझे लगा शायद लूज में ज़्यादा अच्छी थी। एक दलिया का पैकेट भी लिया है इस बार मैंने, बहुत टाइम के बाद दलिया लिया, इसे भून करके मैं रख लूँगी। और क्या है, और है ये यूनिब्रिक के बिस्किट, ये बहुत ही अच्छे बिस्किट होते हैं, ओट्स के बिस्किट होते हैं, ओट मील कुकीज़ हैं, बहुत अच्छे हैं, ये फाइबर इसमें बहुत अच्छा होता है, तो अगर आप लोग को मिले तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे बिस्किट्स हैं। इस बार मैंने रोस्टेड वोमिसली भी लिया है, मतलब सेवइयाँ भी लिया है। मेरा मन हो रहा था मीठी सेवई बनाने का, बहुत टाइम हो गया मीठा नहीं बनाया मैंने, पीयू के बर्थडे में बनाया था मैंने रसगुल्ले। एक्चुअली बड़मावस भी आ रही है तो मैं सोच रही हूँ, बरगदाई जिसे बोलते हैं बरगद पूजा, तो मैं सोच रही हूँ इस बार सेवइयाँ बनाते हैं। ये रोस्टेड है और इसको आप नमकीन, मतलब एज अ स्नैकर भी बना सकते हैं, जैसे कि नमकीन में जो सेवई होती है वो भी बना सकते हैं, और मीठी तो बनेगी ही। इधर पीयू भी देखिए आपके साथ कुछ बोल रही है, बता रही है, क्या बता रही हो पीयू, क्या बता रही हो, बोलिए। पीयू कुछ नहीं बोल रही है, बस पीयू को ऐसे ही बातें करनी होती है। तो बस ये सब था मेरा सारा सामान, और अब मुझे ये सब पूरा सेट करना है, जगह पे इसको पूरा लगाना है। और हाँ, आज मुझे लाइव भी आना, तो आज मुझे 10:30 पे लाइव भी आना है, और फिर अब बस जल्दी से मैं लाइव आकर के फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। पैकेट हमने ये 5 केजी का आशीर्वाद आटा भी लिया है। एक्चुअली क्या हुआ, लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे
लिया था गेहूं लेकर के डी मार्ट से, उसके बाद उसे पिसवाया था। तो क्या हुआ, जो जब पीसा उसने तो वो इतना ज़्यादा महीन हो गया आटा, मतलब बिल्कुल खाने में टेस्ट ही नहीं आता था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एक मिनट मैं इसको ऊपर करती हूँ। तो वो बिल्कुल भी खाने में टेस्ट ही नहीं आ रहा था, अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो अब की फिर से हम लोग ने ये आशीर्वाद का आटा लिया है। रोटियाँ ठीक बनती हैं, तो अभी बाहर रह करके यही करना पड़ता है, पैकेट वाले आटे ही यूज़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ मैंने लंच की तैयारी कर ली है, और लंच में आज मैं बना रही हूँ काली मसूर की दाल, चावल, और मैंने आटे को भी गूंथ के लगा दिया है, रख दिया है। और अब मैं जा रही हूँ लाइव सेशन के लिए, तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, अभी अभी मैं लाइव गई थी और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, क्वेश्चन पूछते हो, तो बहुत ही अच्छा लगा। और अब सब मैं फटाफट से अपना लंच बनाऊंगी और फिनिश कर लूँगी, फिर उसके बाद देखती हूँ कि अगर मुझे कुछ आपको ऐसा लगेगा कि दिखाने वाला है तो मैं दिखाऊंगी, क्योंकि वही लंच मैं थोड़ा सा नहीं दिखाना चाह रही। मुझे लग रहा है कुछ आपको अच्छा स्पेशल दिखाना चाहिए, मतलब कुछ तो अच्छा वीडियो में, व्लॉग में कुछ तो स्पेशल कवर कर लेना चाहिए। तो आज बस मैं वैसे ही शूट कर रही हूँ, व्लॉगिंग कर रही हूँ। फिर ठीक है, थोड़ी देर में मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी शाम हो चुकी है और अब हम तैयारी कर रहे हैं अपने डिनर की। तो डिनर में आज मेरे हस्बैंड कुछ स्पेशल बना रहे हैं, मतलब उनका मन है कि कुछ वेज पंच टाइप से बनाएंगे, तो वो उसमें बहुत सारी सब्जियां डालते हैं। तो मैंने यहाँ पत्ता गोभी, कैप्सिकम, फूल गोभी, प्याज, टमाटर, पनीर, मशरूम सब अच्छे से काट के रख दिया है। और अब मैं यहाँ पर प्याज को फ्राई करने के लिए मैंने थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डाला है, और अब मेरे हस्बैंड आने वाले हैं आप लोग के सामने। और मैं बता दूं, अभी आपको टाइम हो रहा है शाम का 7 o'clock, और हम लोग अपने डिनर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जनरली जल्दी ही डिनर कर लेते हैं। हमारा डिनर 7:30 से 8 के बीच में हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं नमक डाल रहे हैं सारी सब्जियों को, अच्छे से उसको स्टफ़ फ्राई कर रहे हैं, और देखिए फिर आगे ये क्या क्या कैसे प्रोसेस करते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। आज पहली बार मेरे हस्बैंड इसमें मेरे व्लॉग में आ कर के कुकिंग कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो बना रहे हैं हम लोग, इसमें ज़्यादातर सब्जियां ही हैं, और सब्जी के साथ हम सिर्फ एक मैगी का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो आप इसमें राइस भी यूज़ कर सकते हैं, बॉयल्ड राइस या फिर पास्ता, जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें इन्होंने सॉस डाल दिया है, और ग्रीन सॉस की जगह हम लोग चटनी का ही यूज़ करते हैं, जो मैं घर पर चटनी बनाती हूँ। अभी ये मशरूम इसमें मिक्स कर रहे हैं, मतलब एक एक करके आपको सारी सब्जियाँ इसमें मिक्स करनी है, जो भी आपके पास अवेलेबल है। आप इसमें ब्रोकली भी डाल सकते हैं, ये हेल्दी भी है और बहुत ही टेस्टी है। एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे सोयाबीन भिगोना भूल गए थे पानी में, तो अभी मैं इसे गर्म पानी में भिगो करके मैंने 5 मिनट के लिए रखा, और ये अब अच्छे से सोक हो गया है। और मैं इसमें अब ये मेरे हस्बैंड जो हैं यहाँ पे न्यूट्रिला डाल रहे हैं। न्यूट्रिला बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स होता है, तो आप लोग ज़रूर न्यूट्रिला का यूज़ किया करिए अपनी डाइट में, तो ये बहुत ही हेल्दी और अच्छा, और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अब गैस बंद करने के बाद हम इसमें डालेंगे लेमन। लेमन बहुत ही अच्छा विटामिन सी का सोर्स है, तो लेमन भी आप ज़रूर यूज़ किया करिए अपने खाने में। और अब हमारा डिनर बन चुका है, और आप देख सकते हैं किचन एकदम क्लीन है, बिल्कुल भी फैली नहीं है। मेरे हस्बैंड ने किचन को क्लीन कर दिया है, जो एक्स्ट्रा सामान था वो फ्रिज में रख दिया है, और अब हमारा डिनर तैयार है। चलिए फटाफट से अपना डिनर फिनिश करते हैं। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है संडे, और अभी टाइम हो रहा है 11:30,
और बस मैंने सोचा मैं आपका थोड़ा सा वेलकम कर देती हूँ, आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, आप लोग के कमेंट्स पढ़ लेती हूँ और आप लोग से पूछूँ आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये व्लॉग मैं 3 दिन की जो व्लॉगिंग कर रही थी ये आज मैं अभी इसको बंद कर दूँगी। मतलब जितने भी मुझे नाम पढ़ने हैं, जिनके भी मुझे नाम लेने हैं, वो मैं आज लास्ट डे लेकर के ये व्लॉग यहीं पर स्टॉप कर दूँगी। और बस फिर एक अच्छी कोशिश की है आप लोग को कुछ अच्छा एंटरटेन करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम अपना नाम ले लेते हैं, जिसके जिसके हमें नाम लेने हैं आज के वीडियो में। और मैं क्या करती हूँ, जिसके भी मुझे कमेंट्स आते हैं ना, मतलब मैसेज आते हैं, वो मैं एक फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले करके फिर पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं उसी फ़ोन से वीडियो शूट कर रही होती हूँ। तो आज का सबसे पहला कमेंट है पायल साहू का, वो बोल रही है बहुत ही अच्छा है दी ये समर स्किन केयर। तो मैंने एक स्किन केयर का वीडियो डाला था, उसमें उन्होंने कमेंट किया है, थैंक यू पायल। जो मेरा नेक्स्ट कमेंट है वो है बायो अदा का, तो वो बोल रही है प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ आई बिकम अ यूट्यूबर एंड हाउ यू एडिट योर वीडियो। तो मैं जल्दी ही इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगी कि मैं कैसे बनी यूट्यूबर, बनने की कोशिश कर रही हूँ अभी, और मैं कैसे करती हूँ अपने एडिटिंग वीडियोज़ को, इस पर मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी। तो जो मेरा दूसरा कमेंट है, सॉरी तीसरा कमेंट है, वो है ज्योति गिरी का, वो बोल रही हैं मैं आपकी न्यू सब्सक्राइबर हूँ दी। तो वेलकम ज्योति, आपके आपके चैनल में, आपके लाइव डिस्कवरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वो बोल रही हैं यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तो थैंक यू ज्योति, थैंक यू सो मच। आज का नेक्स्ट कमेंट है हेम मिश्रा का, वो बोल रही हैं हाय दी कैसे हो। हेम मिश्रा जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं। आज का नेक्स्ट कमेंट है जो वो है इंडियन यूट्यूबर सारिका जी का, वो बोल रही हैं मेरे कश्मीर वाले वीडियो पे ब्यूटीफुल, तो थैंक यू सारिका जी, आपने मेरा वीडियो देखा, आपको इतना टाइम मिला, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट और लास्ट कमेंट है वो है बी हेल्दी मॉम, ये भी एक यूट्यूबर है, आप चाहें तो आप उनके चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। वो बोल रही हैं हाय दी मैं आपकी न्यू सब्सक्राइबर हूँ, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी और मैं भी यूट्यूबर हूँ, मुझे भी मेघा दी की वीडियो बहुत अच्छी लगती है। तो थैंक यू बी हेल्दी मॉम, थैंक यू आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और इसी तरह धीरे धीरे वीडियोस बनाते रहो और वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट करो, बहुत ही अच्छा होगा, सबके साथ अच्छा होगा, सभी मेहनत कर रही हैं सारी यूट्यूबर्स। फ्रेंड्स अब ये वीडियो मैं आज यहीं फिनिश कर देती हूँ, आज का जो व्लॉग है यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा लंबा व्लॉग हो रहा है और मैंने कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको रिकॉर्ड करके शूट करके दिखाई हैं। तो आई होप आपके लिए ये व्लॉग थोड़ा बहुत हेल्पफुल भी रहा होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो भाई, लाइक ज़रूर किया करो वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स अब ये वीडियो यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ, व्लॉग यहीं पे बंद कर देती हूँ, मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्द एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।